नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश व्यास। कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 135 और एक्सेल के लेक्चर नंबर 21 में आज हम देखेंगे एक्सेल फॉर्मूलाज पार्ट 2। वहां पर हमारा कंटेंट दो टाइप का होगा, एक है वैल्यू वर्सेस रेफरेंस एंड दूसरा टॉपिक होगा स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। हाँ दोस्तों, इसके बारे में चलो हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और दोस्तों आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो 2007 में भी चलेगा, दोनों में से एक ही कॉन्सेप्ट होगा। चलो दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि वैल्यू वर्सेस रेफरेंस, ये वैल्यू क्या है और रेफरेंस क्या है। तो दोस्तों, ये जो एक्सेल शीट है वहां पे कॉलम और रो के मिलन से एक सेल बनता है। ये जो सेल है वहां पर आप जो भी लिखोगे वो आपकी वैल्यू होगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 15 लिखा है, 54 लिखा हुआ है, 89 लिखा हुआ है। जो आपने लिखा हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है तो उसे हम वैल्यू बोलते। देखो, जैसे मैं 54 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये फॉर्मूला बार है, ये एडिटिंग बार, फॉर्मूला बार में भी आपको 54 दिखेगा, यहाँ पर भी 54 दिखेगा, तो ये हमारी वैल्यू है। और रेफरेंस किसे कहते हैं, तो रेफरेंस क्या रहता है कि जैसे आप सेल में कोई फंक्शन या फॉर्मूला लिखते हो तो वो अपने आप हाइड हो जाती है, तो उसे हम रेफरेंस बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सम लिखता हूँ, इससे पहले भी मैंने अगले वीडियो में आपको दिखाया था कि कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले हमें सबसे पहले इक्वल टू की साइन लगानी होगी। जैसे मैं इक्वल टू की साइन लगाऊंगा तो आप तो वो तुरंत फॉर्मूला बन जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, टैब दूंगा, टैब प्रेस करने पर ये अप्लाई होगी। मैंने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू सिलेक्ट कर ली और ब्रैकेट ओवर करने के बाद एंटर प्रेस किया, यहाँ से यहाँ तक का सम 495 होता है। दोस्तों, 495 को आप देखोगे तो आपको जो दिखाई रहा है वो वैल्यू है, लेकिन इनके पीछे क्या है, इनके पीछे ये है इक्वल टू सम B2ZM B9 ब्रैकेट ओवर, ये हमारी रेफरेंस है। तो यानी कि 495 ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वैल्यू खुद की नहीं है, कहां से लेकर आई है ये सेल में, ये वैल्यू कहां से आई, ये वैल्यू यहां से आई। तो ये वैल्यू का बेस कौन सा है, ये 495 का बेस ये है। जैसे मैं बेस में चेंजेस करूंगा वैल्यू अपने आप चेंज होगी, 96 के जगह में 90 करूंगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इससे बोलते हैं हम रेफरेंस। तो ये दिखाई दे रही है वो वैल्यू है, लेकिन इनके पीछे ये रेफरेंस है। अगर मुझे रेफरेंस में जाना हो तो क्या करना होगा, रेफरेंस में जाने के लिए सेल में मैं डबल क्लिक करूंगा तो मुझे रेफरेंस दिखाई देगा, वैल्यू नहीं दिखाई देगी, और वो रेफरेंस कहाँ है, कौन से सेल का है वो भी मुझे दिखाई देगा। जैसे आप देख रहे हो ये सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। और दूसरी एक चीज, मैं यहाँ से 15 = 89 इक्वल टू 86 एंटर प्रेस करूंगा, देखो ये भी 190 सेल हुआ, लेकिन जैसे मैं 86 में चेंजेस करूंगा, 90 करता हूँ या 92 करता हूँ, प्रेस किया, देखो यहाँ पे रेफरेंस था, यहाँ पे रेफरेंस था, दोनों में चेंजेस हुआ, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस नहीं था। क्यों, ये दोनों में डिफरेंस क्या रह गया, ये दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सेल का रेफरेंस मिला है, B2, B4 और B7 का ही सम करना है। तो क्या बता रहा है कि B2 में जो वैल्यू पड़ी है उनका सम करना है, B2 में, B4 और B7 में जो वैल्यू है उनका सम करना है। अगर मैं B2, B4 के B7 में जो भी वैल्यू लिखूंगा कंप्यूटर उससे सम करके दे देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैंने सेल का रेफरेंस नहीं दिया, फिक्स वैल्यू दे दी 15, 89 और 86 का ही सम करो, तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है कि यहाँ पर मैंने डायनेमिक वैल्यू रखी है,
ये इससे बोलते हैं हम डायनेमिक वैल्यू। B7 वो तो सेल का एड्रेस है, लेकिन सेल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उनका सम करो, ऐसा मैंने कहा। जबकि मैंने यहाँ पे क्या किया, 86 का ही सम करो, यानी कि ये स्टैटिक वैल्यू हो गई। 15, 89, 86 वो स्टैटिक वैल्यू है, जबकि यहाँ पर मैंने जो बताया वो डायनेमिक वैल्यू है। तो दोस्तों इस तरह से एक्सेल में आगे हम बहुत सारे फॉर्मूला सीखने वाले हैं, तो वो फॉर्मूला के अंदर हम ये ख्याल में रखेंगे कि डायनेमिक वैल्यू को किसे कहते हैं और स्टैटिक वैल्यू किसे कहते हैं। वैसे ही सामने रेफरेंस किसे बोलते हैं और वैल्यू किसे बोलते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश फ्रॉम कंप्यूटर डिजिट क्लास। गुड बाय।